नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 1 अगस्त 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़, पीयूष गोयल में मीट टॉप ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव्स टुमारो। तो पीयूष गोयल जो है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, वो क्यों मिलेंगे? देखिए, ई कॉमर्स का जो पॉलिसी है वो फाइनलाइज करने के लिए, इसमें उन्होंने बोला है कि भाई एग्जीक्यूटिव्स ऑफ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शिप रॉकेट, स्विगी, ये इनके एग्जीक्यूटिव जाके इनसे 2018 से गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ई कॉमर्स पॉलिसी बनाएंगे। कई बार थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट के एक दूसरे के मिनिस्ट्री में। तो अब फाइनली जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव से मिलकर पॉलिसी बनाएंगे। गवर्नमेंट को ये चीज़ पता करना है कि भाई कैसे ये ऑनलाइन ग्रोसरी चलता है, क्या ये जो ऑनलाइन ग्रोसरी, जैसे अब डार्क स्टोर्स होगा, डार्क स्टोर्स किसे बोलते हैं कि भाई कोई भी आप जैसे आपने जेप्टो से ऑर्डर किया या जोमेटो से ऑर्डर किया, ब्लिंकिट, जोमेटो के ब्लिंकिट से, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो कोई थर्ड पार्टी वेयर हाउस से आ रहा है या इनका जेप्टो का खुद का ओन्ड है, तो वो पता नहीं चलता हमें। तो दैट इज़ नोन एज डार्क स्टोर। तो वो क्या लोकल लॉ से कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फिर उसके बाद इनका क्विक कॉमर्स का बिज़नेस में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या है ये क्विक कॉमर्स, ठीक है? फिर उसके बाद डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग वगैरह आप देखते होंगे प्लेटफॉर्म में काफ़ी दिया जाता है, तो ये डिस्काउंटिंग का मेथडोलॉजी क्या है, किस बेसिस पे दिया जाता है? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज सॉट सेलर्स पैटर्न्स एंड डिटेल्स ऑफ प्राइवेट लेबल सेल्स। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये जो है प्राइवेट लेबल सेल्स को क्या प्रमोट, मतलब क्या चेक करने के लिए बोला है? देखिए, प्राइवेट लेबल सेल्स मतलब अगर मान लीजिए जैसे डीमार्ट आप गए होंगे, तो डीमार्ट का खुद का भी एक इनहाउस ब्रांड भी रहता है और डीमार्ट के वैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स जो अलग अलग ब्रांड्स के, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कंज्यूमर को सिर्फ उनके खुद के ब्रांड्स, मतलब जैसे मान लीजिए ब्लिंकिट का ऐप है तो, या बिग बास्केट का ऐप है, तो ऐसा तो नहीं सिर्फ बिग बास्केट के ही राशन दिखाए जा रहे हैं या बिग बास्केट के ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, उनको दूसरे ब्रांड्स भी उसी उतना ही विजिबिलिटी दूसरे ब्रांड का भी होना चाहिए जितना उनका खुद का ब्रांड है। तो इस हिसाब से उन्होंने नोटिस लिया है कि भाई मतलब क्लैरिफिकेशन मांगा है और एग्जीक्यूटिव्स को इनवाइट किया है ये सब चीज़ समझने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, नीति मूव्स माइनिंग SOPs टू हेल्प चार्ज अप लिथियम आयरन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। देखिए क्या ये न्यूज़ कि लिथियम आयरन मैन्युफैक्चरिंग जो है, इस अब लिथियम का एक्सट्रैक्शन करने लगेगी इंडिया में, तो उसके लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स है जो कि लिथियम आयरन बैटरीज बनाने में काम आएंगे, उसका एक्सट्रैक्शन करेगी। कौन करेगी उसका एक्सट्रैक्शन? प्राइवेट कंपनीज करेगी। एंड क्यों करेगी उनका एक्सट्रैक्शन? क्योंकि PLI स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो ये एक न्यूज़ है। गवर्नमेंट थिंक टैंक लेज आउट रोड मैप टू इंसेंटिवाइज मिनरल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, माइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। एंड आपको एक चीज़ पता होगा कि गवर्नमेंट ने एक खनिज विदेश इंडिया बनाया था। इट वॉज मेड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स इन पार्टनरशिप विद कंपनीज लाइक अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अभी ऑस्ट्रेलिया की जो पार्टनरशिप में इन्होंने ये खनिज का जो मतलब खनिज, तो देखिए 2019 में बन गया था, बट इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई खनिज के द्वारा पार्टनरशिप में हम जो है लिथियम आयरन जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये तो हो गया बाहर का। अब इंडिया में भी आपको पता होगा कि जियोलॉजिकल सर्वे ने इंडिया का एक्सट्रैक्शन के लिए बोला था कि भाई इंडिया में हो सकता हो 5.9 मिलियन टन्स है लिथियम का, अगर ये होता है तो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगा हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन को लेके। बट इसका जो एक्चुअल, ये तो देखिए बोला गया है जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा, बट क्या ये सचमुच है कि नहीं है, वो तो देखिए एक्सट्रैक्शन के टाइम में पता चल पाएगा। तो उसमें भी अभी इंडिया का एक्सट्रैक्शन भी खनिज विदेश करेंगे, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसे शॉर्ट फॉर्म में काबिल भी बोलते हैं। लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो ये ज़्यादा सस्टेनेबल है और ज़्यादा देर तक पावर अप रहता है। अभी अगर आप देखोगे तो हर EVs वगैरह में और आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें लिथियम का काफ़ी यूज़ेज है। और आज के डेट में जितने
कंट्रीज़ जितना, जैसे चाइना बहुत अग्रेसिवली लिथियम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, सारे माइंस वगैरह यू नो कम जो सारे सारे कंट्रीज से उस पर लीज भी ले रहा है, तो ये काफ़ी क्रिटिकल मिनरल है, तो उससे उसको प्रोडक्शन कराने में और लिथियम का प्रोडक्शन करने में, मतलब लिथियम से रिलेटेड जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे का प्रोडक्शन करने में गवर्नमेंट जो है PLI देने की कोशिश कर रही है। PLI मतलब वही प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम जो आपको मैंने पहले भी बताया है कि भाई सेल्स से अगर आपका एक पर्टिकुलर यू नो अमाउंट से सेल्स पिछले साल के कंपैरिजन में अगर सेल्स ऊपर जाता है तो 6% के आसपास आपको इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट। एक कोई कोई सेक्टर्स में ये चीज़ स्कीम लेके आई है। नेक्स्ट इज दोस्तों सेंटर टू लॉन्च मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। देखिए सेंटर जैसे हर घर तिरंगा भी एक कैंपेन लेके आई होगी, आई थी आपको पता होगा, वैसे ही सेंटर जो है मेरी माटी मेरा देश के कैंपेन लेके आ रहे हैं। इसमें दो चीज़ों को कवर कर रहे हैं, एक तो मेन होइस्टिंग ऑफ फ्लैग्स एट एवरी हाउसेस, और दूसरा उन्होंने ये चीज़ को फोकस किया कि भाई जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या फ्रीडम फाइटर्स नहीं बोलोगे तो जो वीर जो जवान हैं जो कि शहीद हो जाते हो गए लड़ते हुए, तो उनको यू नो रिस्पेक्ट देते हुए उनके जो स्टैचूज है वो खड़े किए जाएंगे और उनको यू नो सम्मान के हिसाब से किया जाएगा। वैसे टैगलाइन की बात करें तो मेरी माटी मेरा देश विद द टैगलाइन ऑफ मिट्टी को नमन वीरों का वंदन, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी थ्रू जन भागीदारी दैट इज़ पब्लिक पार्टिसिपेशन। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस चीज़ का मिलके इसको इम्प्लीमेंट करने का यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। नेक्स्ट इज दोस्तों कंपनी से सेबी न्यू रूल्स इंक्रीज कंप्लायंस लोड। देखिए सेबी के कई सारे रूल्स जो है आ रहे धीरे धीरे करके। सेबी की अगर बात करें तो देखिए आप राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे कंसल्टेशंस पेपर इशू हुए हैं सेबी के द्वारा। 2023 में अकेले 2023 में 40 कंसल्टेशन पेपर्स, और जो कि कंपैरिजन में 2022 में अगर देखें तो 19, तो अभी आधा साल के आसपास मतलब 7 महीने के आसपास ख़त्म हो गया एंड उन्होंने अभी तक 40 कर दिया है, तो ऑब्वियसली आने वाला टाइम में भी और भी करेंगे। तो काफ़ी सारे ये कंसल्टेशन पेपर इशू किए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कंप्लायंस का बर्डन ऐसा कह रहे हैं कंपनीज़ की उन पे आ रहे हैं। कंप्लायंस की बात की तो इस बार सेबी ने क्या बोला कि भाई आपको जो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है जितने भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी से होंगे सब आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। जितने भी ट्रांजैक्शन में अगर आप कोई फ़ाइन वगैरह कुछ पे कर रहे हो तो सब आपको यू नो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर्स को ESG के कंप्लायंस के लिए। फिर उसके बाद कोई भी पोल्यूशन से रिलेटेड है या किसी भी की मैनेजरियल पर्सनल का अगर कोई इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर चेंज किया जा रहा है तो वो भी आपको शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा। तो इसमें कंपनीज़ क्या कह रहे हैं कि देखिए बर्डन काफ़ी आ जाएगा शेयर होल्डर्स को बताने के लिए, और इससे क्या होगा टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा शेयर होल्डर्स के लिए, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिस हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अब एक कंपनी है उनको इतनी बड़ी कंपनी है वो 10,000 रुपये का फाइन लगा था उनको, तो अब ये क्या 10,000 रुपये का फ़ाइन वो किस लिए लगा था, क्योंकि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के सामने डस्टबिन नहीं रखा था, तो डस्टबिन नहीं रखा था उसके कारण 10,000 रुपये का फ़ाइन है। तो ये पूरे स्टोर का मतलब मैं तो कहूँगा 10% या 1% ऑफ द रेवेन्यू भी नहीं है वो एक पर्टिकुलर स्टोर का, और कंपनी के वाइज देखा जाए तो कंपनी के लिए तो वो अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो अगर ये अमाउंट कुछ भी नहीं है तो क्या शेयर होल्डर को ये 10,000 रुपये फ़ाइन से कोई फ़र्क पड़ेगा। फिर उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई ऐसे अगर हम टाइम टू टाइम कोई मैनेजर का अगर यू नो पावर भी चेंज करते हैं तो भी हमको देना पड़ेगा। इनफैक्ट सेबी रूल के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो 100 रुपये तक का फ़ाइन भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन रिलायंस अपने 100 रुपये का अपने बैलेंस शीट में या अपने ESG के कंप्लायंस में 100 रुपये का फ़ाइन डिस्क्लोज कर रहा है, तो वो तो सिर्फ फाइन ही फाइन डिस्क्लोज करता रह जाएगा अपने ESG कंप्लायंस में, तो दैट वुड बी टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उनका ये चीज़ कहना है कि भाई ऐसे हम एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड रख देते कि हाँ भाई चलो ये कंपनी का इस थ्रेशोल्ड से अगर ऊपर जाता है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये चीज़ बोला है कि न्यू रूल्स इंक्लूड कंफर्मेशन और डिनाइल ऑफ मार्केट र्यूमर्स डिस्क्लोजिंग बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स टू फैमिली सेटलमेंट्स मैटर्स कंसर्निंग सीनियर एम्प्लॉयज एक्सेट्रा, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसमें और एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि प्रोफेशनल्स इतने सारे अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखोगे तो आप CA या CS अगर कर रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई CA भी एक पर्टिकुलर एक डोमेन में फोकस्ड है, टैक्स है, ऑडिट है, कंप्लायंस भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट
कितने सीएस कंप्लायंस पर फोकस है, सीएस भी कंप्लायंस पर फोकस, बट कंपनी लॉज है उनके इतने सारे फोकस है, तो ये एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो कहाँ से इतने प्रोफेशनल्स लेके आओगे आप? तो ये सब चीज़ के लिए भाई कंपनीज बोल रही है कि भाई हमारे पास इतने ट्रेंड प्रोफेशनल्स भी नहीं है कि जो इतने सारे रूल्स को कंप्लाई कर पाए। तो प्लीज़ इस थोड़े रूल्स को कम किया जाए, कंप्लायंस का एक थ्रेशोल्ड रखा जाए ताकि सबके लिए बेनिफिशियल हो। उन्होंने ये चीज़ बोला कि गवर्नमेंट का एफर्ट जो है दैट इज़ कमेंडेबल, दे आर ट्राइंग टू अप्रिशिएट दी इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम देर हैज़ टू बैलेंस बिटवीन द इंटेंट एंड द यू नो ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, इंडियंस डीपन कॉस्मेटिक्स कनेक्शन। देखिए इंडिया में जो है कॉस्मेटिक कनेक्शंस मतलब यू नो जैसे धीरे धीरे करके वर्क फ्रॉम ऑफिस होते जा रहे हैं वैसे कॉस्मेटिक्स के कंजम्पशन बढ़ते जा रहे हैं। अब वो क्या है रिलेशन आपको भी पता है कि भाई जब भी यू नो जाते हैं तो थोड़ा कॉस्मेटिक्स यूज़ करना ही पड़ता है। तो अब कौन सा कॉस्मेटिक्स है क्या कॉस्मेटिक्स है प्लीज़ आप ये सब चीज़ आर्टिकल में पढ़ लीजिए, बट मेरा ये कहना था ये न्यूज़ को कवर करने का ये इंटेंशन था कि देखिए जब हम वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम ऑफिस शिफ्ट करते हो तो कितने सारे इंडस्ट्री जो कि आपके थोड़े यू नो थॉट प्रोसेस से भी बाहर हो वो सब इंडस्ट्री भी कितना हिट कर जाती है, मतलब कितने पॉजिटिवली हिट करती है। तो ये आप एज अ केस स्टडी कभी भी कोई चीज़ बोल रहे हो कि हाँ भाई किसी का कोई इम्पैक्ट क्या होगा वर्क फ्रॉम ऑफिस का, और वो आप कोई कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई कंपनी के लिए सॉल्व कर रहे हो या ऐसा कुछ, देखिए फ़र्क पड़ता है ये सब चीज़, यही प्रैक्टिकल यूज़ ही आपके केस स्टडी में पूछा जाता है। तो यू नो आप फिर बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, प्रीमियम मोबाइल सेल्स सोर बट ओवरऑल मार्केट डिक्लाइंस। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्या चीज़ के लिए बेसिकली दोस्तों कि प्रीमियम मोबाइल्स जो है मैंने आपको पहले भी कवर किया उसके सेल्स बढ़ गए। अगर आप देखोगे तो जो फ़ोन की कीमत जो अबव 30,000 है उनकी ग्रोथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फोन जो 30,000 के बिलो है। क्यों? क्योंकि देखिए यूज़र्स जो है प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी अगर आप देखो तो डिस्पोजेबल इनकम भी एक कुछ लोगों की बढ़ गई है तो उसके कारण लोग प्रीमियम फ़ोन्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एज अपोज टू वो जो सस्ते फ़ोन आते हैं बिलो 10,000, तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर गया है। तो ये न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, जस्ट 45% ऑफ इंडियाज ग्रेजुएट जॉब सीकर्स मीट इंडस्ट्री नीड्स। देखिए ये न्यूज़ क्या है कि इंडस्ट्री नीड्स को कई सारे जो प्रोफेशनल्स है वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे, मतलब जो टेक्निकल जॉब्स है उसके लिए तो फिर भी आपको इंडस्ट्री में लोग मिल जा रहे हैं, बट जो नॉन टेक्निकल जॉब्स है उसके लिए लोग नहीं मिल पा रहे। क्यों? क्योंकि अब देखिए वेल ट्रेन नहीं होते, जो यूनिवर्सिटीज़ जो ट्रेन कर रही है इनको वो भी वेल इक्विप नहीं रहते, अच्छे से बच्चों को सिखाया नहीं जाता एंड तुरंत इंडस्ट्री में भेज दिया जाता। तो इंडस्ट्री ये सब चीज़ से लेके काफ़ी यू नो काफ़ी अनसेटिस्फाइड रहती है उनके परफॉर्मेंस रिलेटेड। तो आप सबसे भी यही चीज़ है कि देखिए हर एक चीज़ हर एक अपना जो भी आप कर रहे हो उसमें आप स्किल अपना अगर डेवलप करोगे तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, अगर आप नहीं करोगे तो यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। ये चीज़ तो अभी मार्केट का इतना रैपिड एक्सपेंशन और रैपिड इम्प्रूवमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का कि अगर आप कोई चीज़ भी अगर ढंग से नहीं करोगे तो आपका एक तो प्रोडक्टिविटी तुरंत यू नो सामने आ जाता है एंड यू हैव मेनी चांसेस ऑफ लूजिंग दैट जॉब। फिर बरबर के इस आर्टिकल में यू नो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को थोड़ा बोला गया है कि भाई यूनिवर्सिटीज़ को अपना प्रोग्राम को थोड़ा रैंप अप करना पड़ेगा, वो अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं देते, जो भी रहता है थ्योरेटिकल दे के छोड़ देते हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ तो फिर भी थोड़ा वो चलो ठीक है, बट नॉन टेक्निकल तो एकदम भी इस चीज़ को नहीं ध्यान दे पा रहे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, SBI रेजेस 10,000 crore बाय 15-year इंफ्रा बॉन्ड्स डिमांड बूस्ट। मैंने इंफ्रा बॉन्ड के बारे में पहले भी कवर किया है, अभी भी बोल देता हूँ आपको इन शॉर्ट कि इंफ्रा बॉन्ड जो है मिनिमम 7 years का रहता है। तो इंफ्रा बॉन्ड्स में दो फायदे रह जाते हैं आपके, एक तो ये 7 years से ज़्यादा का रहता है तो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए यू नो आपको लोन मिल जाता है। फिर उसके बाद इंफ्रा बॉन्ड्स का दूसरा चीज़ क्या बेनिफिट है कि भाई जो बैंक्स अगर लोन ले रहे हैं इंफ्रा बॉन्ड्स में तो उनका वो जो वो लोन है वो CRR और SLR उस चीज़ में आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एज़ इट इज़ वो लोन को यूज़ करके अपने यू नो कंज्यूमर्स को या वो जो अभी आप लोन दोगे तो आपको वो उसके लिए SLR वगैरह साइन करने की ज़रूरत नहीं है।
बस ये चीज़ समझ के रखिए। फाइनेंशियल ईयर 2022 तक की बात करें तो सिर्फ प्राइवेट बैंक जो है वो लोन दे सकते थे इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब जो है पब्लिक बैंक्स भी लोन दे सकते हैं। फिर दो न्यूज़ दोस्तों नीति आयोग से रिलेटेड है। नीति आयोग लुक्स इनटू टैक्स हर्डल्स इन टेक्सटाइल सेक्टर। बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर में जितने भी अभी इम्पोर्ट्स हो रहे हैं जो कि बढ़ रहे हैं, तो नीति आयोग ने ये चीज़ प्रपोज़ किया है कि भाई क्योंकि डोमेस्टिक यू नो इंडस्ट्री को हार्म नहीं होना चाहिए, तो उनका ये कहना है कि भाई कस्टम ड्यूटी भी हम बढ़ाएंगे मैन मेड यार्ड्स में, हायर ड्यूटी टू चेक राइजिंग इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन टेक्सटाइल मशीनरी टेकन अप, एग्जेम्प्ट जॉब वर्क्स इन MSMEs फ्रॉम GST, ताकि MSME को भी थोड़ा प्रमोशन मिले। फिर आयोग पिचेस फॉर अलाउइंग ट्रेड इन ट्रीटेड वेस्ट वाटर। देखिए वेस्ट वाटर जो ट्रीट हो चुकी है, अब इनको नीति आयोग कहता है कि ऐसे कमोडिटी ट्रेड करना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसके लिए अपॉइंट करना चाहिए कि भाई इसके ट्रेड वगैरह को चेक करते जाए। तो सोचिए अब वाटर की भी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं नीति आयोग, और वो भी वो वाटर जो कि वेस्ट वाटर से ट्रीट होके आ रहा है। इसमें क्या होगा कि हर एक सेक्टर को अपना वाटर का यू नो कैपेसिटी बता दिया जाएगा कि भाई आप इतना यूज़ करोगे आप इतना यूज़ करोगे, जिससे कम यूज़ होगा उससे ट्रांसफ़र करके जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस टाइप के है, बट आप ये भी चीज़ समझिए कि भाई इसका एलोकेशन करने में थोड़ा डिस्प्यूट होगा, फिर वो मैकेनिज्म कैसे चेक पे रहेगा उसका थोड़ा डिस्प्यूट होगा, बट एटलीस्ट ये आइडिया भी बहुत ही यू नो इनिशियल स्टेज में, तो देखते हैं इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, बस एक रिकमेंडेशन है ये। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, अनदर इनलैंड वाटरवे रूट टू बांग्लादेश सून। देखिए बांग्लादेश के लिए जो है कनेक्टिविटी के लिए हम लोग ने ऑलरेडी नेशनल वाटरवे बना रखा है, और आई थिंक वो नेशनल वाटरवे 2 है, 2A या 3A एक बार आप चेक कर लीजिए, बस मेरे ख्याल से वो 2 है क्योंकि 3 शायद साउथ में आता है, नेशनल वाटरवे 1 तो गंगा का ही। तो नेशनल वाटरवे और एक बनाने चाह रहा है इंडिया और बांग्लादेश को, ताकि यू नो कनेक्ट कर पाए। इससे क्या होगा, एक तो आपका इंडिया के नॉर्थ में और जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसका कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगा, सॉरी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट एज इन वेस्ट बंगाल और आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आपका कनेक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। फिर उसके बाद इनका ये कहना है कि भाई ये जो नेशनल वाटरवेज बनेंगे तो इससे ट्रेड वगैरह तो बूस्ट हो गई और पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद कम्युनिटी जेटीज़ की बात करें, कम्युनिटी जेटीज़ होते क्या दोस्तों, अगर आप शोर लाइन में ये चीज़ देखोगे तो शोर लाइन में ना एक सीमेंट टाइप का कुछ बना रहता है, सो दैट उससे एक तो आपके जो करंट टाइड्स वगैरह जैसे टाइड्स का भी ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो वो भी एक रुके, और दूसरा चीज़ शोर लाइन के पास अगर आप ऐसे जेटीज बनाते हो तो इजीली आपके गुड्स पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, आपको बड़े बड़े हार्बर बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको इजीली वो जेटीज के अकॉर्डिंग मतलब जेटीज पे आप अपने ट्रैवल करके यू नो चल के आप अपने सारे गुड्स को लेके आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बोला जा रहा है दोस्तों, मतलब आप सोचो कि अलग अलग स्टेट से अलग अलग सिटीज से सिर्फ जो फ्रेश जो चीज़ें रहते हैं वो सब आप तुरंत इम्पोर्ट कर सकते हो दूसरे स्टेट्स में एंड विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, मतलब बहुत ही कम ज़्यादा कॉस्ट है। आपको पता है कि वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट जो है इसे प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, फाइनली 31 जुलाई ख़त्म हुआ, तो सबको यू नो आई एम श्योर जितने भी मेरे व्यूअर्स है जो कि सी ए कर रहे हैं या अपने आर्टिकलशिप में है या सी ए कर चुके हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिला होगा, इनफैक्ट सी एस को भी। तो ओवर 6.5 करोड़ ITS फाइल टिल इवनिंग में क्रॉस 7 करोड़। देखिए 6.5 करोड़ तक का ITR फाइल हो चुका है, मतलब इतने सारे लोग ने ITR फाइल कर दिया, पिछले साल ये नंबर कितना था, 5.83 करोड़, तो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास हम लोग ने इस बार ज़्यादा ITR फाइल किया, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर आप ऐसे देखा जाए तो भाई इसका मतलब बेस बढ़ते जा रहे हैं इनकम टैक्स के पेयर्स का, और ऑब्वियसली ज़्यादा टैक्स भी पेमेंट करना इकोनॉमिकली तो अच्छा ही है। फिर उस हिसाब से देखा जाए कि छोटे मोटे नंबर्स है कि भाई लगभग 37 लाख तो 31 जुलाई को ही हुए थे, उसके बाद कुछ लॉगिन्स के नंबर से ये चीज़ भी बोला गया है कि भाई डिपार्टमेंट्स और
कंपनीज अलग अलग कंपनीज जो है डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप इसका एक्सटेंशन ला दो, बट डिपार्टमेंट हमेशा की तरह इस बार भी मना कर दिया। बहुत ही देखिए एक्सट्रीम केसेस में ये चीज़ लेके आते हैं। फाइन अगर देखा जाए तो फाइन ऑफ 1000 फॉर इनकम बिटवीन 2.5 लाख टू 5 लाख तक आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आपका 5000 के ऊपर है तो आप अगर आपका 5 लाख से ऊपर है तो आपको 5000 तक का फाइन पे करना पड़ेगा। तो ये किस चीज़ के लिए, अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो। फिनटेक हिट ग्रीन पैच पोस्ट रफ कपल ऑफ ईयर्स। देखिए फिनटेक का अभी जो पोस्ट कोविड स्पेशल पोस्ट कोविड जो पीरियड था वो थोड़ा सा इनको फंडिंग में प्रॉब्लम्स जा रहे थे। अब जो है स्टार्टअप को फंडिंग मिल रही है धीरे धीरे करके, जो कह रहे थे कि भाई ड्राई हो रही है फंडिंग, तो थोड़ा फंडिंग जो मिल रही है स्टार्टअप्स को, तो इसकी वजह से फिनटेक का अब थोड़ा कंपनीज में बूस्ट आ सकता है, देखने को मिल सकता है। लेंडिंग कार्ड की बात की जाए तो लेंडिंग कार्ड ने पिछले साल ही 119 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया था, एंड और भी फिर कई कई कंपनीज़ का है, तो कंपनीज़ के स्पेसिफिक पे तो अपन नहीं जाते हैं, बट आप ये चीज़ मान के चलिए कि भाई फिनटेक्स के जो जो एक फंडिंग का जो एक क्रंचेस चल रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई विंटर फंडिंग ऐसे कहते हैं कि भाई विंटर इज़ कमिंग फॉर द स्टार्टअप्स, विंटर इज़ कमिंग फॉर फिनटेक्स, तो वो थोड़ा सा हाइप क्रिएट किया गया था। अभी फंडिंग जो है थोड़े बेटर पोजिशन में है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, एंड हैव अ नाइस डे।